हे गाइस, इट्स अहमद आबिद। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट टू फ्रॉम माय चैनल। सो अब मैंने बोनस चेस्ट को तोड़ लिया ताकि मुझे इक्विपमेंट्स मिल सके जो मुझे हेल्प करेंगी बाद में। सो मैं बोनस चेस्ट को तोड़ लिया तो मेरे पास एक फ्री की चेस्ट भी आ चुकी है। इसका नाम ऑब्वियसली बोनस चेस्ट तो नहीं है, खाली एक चेस्ट है। बट अभी मेरे पास चेस्ट आ चुकी है तो मैं चीज़ें स्टोर कर सकता हूँ उसमें। एंड अब बाकी का मैं लकड़ियाँ तोड़ ली हैं। एंड यहाँ पर मैंने मतलब लकड़ियों के प्लैंक्स बनाने हैं क्राफ्टिंग टेबल एंड एक शी बूथी के सामने। वाओ, दैट वाज ग्रेट। सो मैं तलवार बना लेता हूँ वुडन सॉर्ड एंड इसे एक क्रिट मार के सीधा मार डालता हूँ ताकि मुझे वूल मिल सके यार कई काम से। एंड अब मैं दोबारा जाऊँगा आगे तो मुझे ऐसे ट्री वाली जगह पे इतना ज़्यादा वो नहीं लगता, सही नहीं लगता। मुझे बहुत ज़्यादा तंगी होती है चलने में इधर उधर, तो दैट्स व्हाई मैं अभी इधर से कहीं और जा रहा हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब की। ओके, माउंटेन है, मैं इधर चढ़ जाता हूँ ताकि स्टोन वगैरह मिल सके। सो अब मैं यहाँ पर बस आ चुका हूँ एंड यस, मुझे बस यहाँ से ऊपर जाना है। अरे यार क्या हो रहा, क्राफ्टिंग टेबल मैंने नहीं, मुझे क्राफ्टिंग टेबल की क्या ज़रूरत है, मुझे बस ऊपर जाना है यार। मुझे ऊपर ही नहीं चला जा रहा, क्या हो रहा है। वाह फाइनली, क्या व्यू है ऊपर से, इतना प्यारा जंगल का। मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्राफ्ट, होता है मैं लैग हुआ था कि क्या हुआ था ये होता। अब बस मैंने स्टोन माइन कर लिया और मैं करूँगा कोल माइन। एंड कोल भी मैंने माइन कर लिया है। सो मैं थोड़ा और कोल माइन कर लेता हूँ ताकि मैं और काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड कर सकूँ, क्योंकि कोल काफ़ी ज़्यादा यूजेबल चीज़ है। अगर माइनक्राफ्ट में आपके पास कोल नहीं है तो आपके पास माइनक्राफ्ट की ऑलमोस्ट हाफ रिसोर्सेज नहीं आ सकती, क्योंकि फूड, आयरन, गोल्ड, नेदरराइट एंड ये सारी चीज़ें कोल से ही होनी है। सो इसीलिए आपको कोल लोग कहते हैं कि यूज़लेस है, कि कोल लोग कहते हैं कि यूज़लेस है, लेकिन असल में कोल माइनक्राफ्ट की काफ़ी ज़्यादा यूजेबल थिंग है, क्योंकि हमें फूड स्मेल्ट करने के लिए चाहिए होता है कोल, तो मैं इसलिए कोल माइन कर लिया था। सो मेरे सामने गॉट है तो मैं इसे मज़े के लिए मार देता हूँ, क्योंकि गॉट्स देती हैं एक्सपी ना कि कुछ, और मटन भी नहीं देती, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि शीप्स एंड गॉट्स जो हैं वो उनके पास मीट जो होता है उसका नाम मटन ही होता है, लेकिन माइनक्राफ्ट में पता नहीं क्या है लॉजिक है कि ये बस एक्सपी देती हैं नो मटन, मतलब मटन की इनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, खाती पीते घर के नहीं हैं लगते ये जो गॉड्स इन्होंने ऐड किए हैं ना माइनक्राफ्ट के क्रिएटर ने, मुझे नहीं लगता। वैसे एक फन फैक्ट है कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन ने या फिर रिचेस्ट पर्सन में से एक पर्सन जिसका नाम है बिल गेट्स, उसने माइनक्राफ्ट को परचेज कर लिया है, मतलब नॉच से पता नहीं कितने डॉलर्स दिए थे, बट
मेरे कज़न, मेरा कज़न कह रहा था। तो अब मैं यहाँ पर चलता हूँ एंड मेरी मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ, लेकिन मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। तो अब मैं सामने जाता हूँ क्योंकि प्लेन बायो में, और मुझे चेक करना है कि कहाँ पर कोई अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पे मैं घर बना सकता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी वुड नहीं है, तो दैट्स वाई मैं अभी घर नहीं बनाऊँगा, मैं अगली वीडियो में घर बनाऊँगा एंड माइनिंग भी करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो 5 मिनट से तो थोड़ी बड़ी होगी, मतलब ऑलमोस्ट। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड बाय बाय।